दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। इस वक्त वो राजकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि हम सबको संयम रखने की इस वक्त जरूरत है। ये अभी और बहुत हमले कराएंगे। मैं देख पा रहा हूं कि अगले आने वाले 2-3 महीने के अंदर केवल आम आदमी पार्टी नहीं, हम तो छोटे लोग हैं, ये जनता पे हमले कराएंगे। जनता में से अगर कोई कहेगा कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, ये उस पर हमले कराएंगे। जनता में से जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, ये उस पर हमले कराएंगे। ये गुजरात की जनता पे बड़े स्तर के ऊपर हमले कराने वाले हैं ये लोग। लेकिन हमें संयम रखना है, हमें हिंसा नहीं करनी। और संयम के साथ जिस दिन चुनाव होगा, बटन दबा के आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिएगा। मीडिया को डराते हैं, बताइए ये लोग। मुझे पता चला पिछले साल किसी ने अखबार या किसी ने लिख दिया था कि फलाने फलाने सीएम जाने वाले हैं, उनको कई महीने जेल में रहना पड़ा। इस साल किसी ने लिख दिया कि सीएम बदलने वाले हैं, उसके ऊपर केस कर दिए। ये क्या गुंडागर्दी है? आप इस तरह से मीडिया को डराओगे? सारे मीडिया को बोल रखा है कि आम आदमी पार्टी वालों को डिबेट में नहीं बुलाना, सारे मीडिया वालों को बोल रखा है कि इनका कोई कार्यक्रम नहीं दिखाना। इस तरह से गुंडागर्दी से देश चलता है? इस तरह से गुंडागर्दी से आप सरकार चलाना चाहते हैं? आज मैं सूरत जाऊंगा, शाम को गणपति पप्पा की महाआरती में शामिल होऊंगा, उनका आशीर्वाद लेंगे। और सभी सूरत वासियों से मेरा हाथ जोड़ के अपील है, निवेदन है, सब लोग वहां पे आएं, पूरा सूरत इकट्ठा हो, हम सब लोग मिलके एक साथ भगवान की पूजा करेंगे, सब लोग मिलके एक साथ भगवान का आह्वान करेंगे, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, गुजरात के विकास के लिए, गुजरात की समृद्धि के लिए। मैं वहां 7 बजे आरती शुरू होगी, सबसे अपील है कि 6:30 बजे तक सब लोग वहां पे पहुंच जाएं। और ये जितना हमला कर रहे हैं, ये इनको उल्टा पड़ रहा है। जब से मनोज सोरठिया के ऊपर हमला हुआ है, सूरत के लोग इतने नाराज हैं। हमने सर्वे कराया, सूरत शहर में 12 सीट हैं, आज की डेट में इन 12 में से 7 सीट आम आदमी पार्टी को आ रही है। और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये 7 से भी बढ़ेंगी। 12 सीट हैं सूरत के अंदर, ये 12 में से 7 सीट आम आदमी पार्टी को आ रही है। दूसरी बात, मैं सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैंने सुना कि अभी बहुत बड़ी सभा हुई थी कोई बीजेपी की भुज में, उसमें जितनी बसें गई थी, उन सारी बसों में जो ड्राइवर और कंडक्टर थे, उन्होंने आते वक्त बसों के अंदर हर सवारी को बोला, जो जो लोग इनकी रैली में गए थे, कि भाई इस बार बदलाव होना चाहिए, इस बार परिवर्तन होना चाहिए, और सब लोग इस बार झाड़ू पे वोट देना। तो जितने लोग उनकी सभा में गए थे, उन सब लोगों ने तय किया है कि सभा में तो हम इनके गए थे, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देंगे। मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट के सभी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये रोज करना है आपको काम। रोज जिस बस में आप जा करते हैं, रोज बसों के अंदर हर सवारी को ये कहना है कि इस बार झाड़ू का बटन दबाना है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आपका ये एहसान, मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, आपका ये एहसान मैं सरकार बनने के 1 महीने के अंदर, आप देख लेना, आपकी सारी डिमांड हम पूरी करेंगे, आपका एहसान मैं पर्सनली पूरा करूंगा। लेकिन अभी 3 महीने रह गए, हर बस के अंदर हर ड्राइवर को, हर कंडक्टर को, सवारियों को बोलना है कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है। पुलिस वालों का जब हमने मुद्दा उठाया, तो उनकी डिमांड थी कि ग्रेड पे मिलनी चाहिए। सरकार ने उनको ग्रेड पे तो नहीं दी, लेकिन चुनाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम इनके भत्ते बढ़ा देते हैं। भत्ते बढ़ाने का जो नोटिफिकेशन आया, उसमें उन्होंने शर्तें रख दी नोटिफिकेशन में, कि आपको एफिडेविट साइन करके देना है कि आप किसी भी, कोई विरोध नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे,
ये आजाद देश है, इस देश के अंदर हर इंसान को संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं विरोध करने के, प्रदर्शन करने के, कोर्ट में जाने के, ये क्या बात है। मैं सभी पुलिस के साथियों को कहना चाहता हूं कि कोई भी इन शर्तों के ऊपर साइन मत करना, किसी को साइन करने की जरूरत नहीं है। दिसंबर में सरकार बनेगी, आपकी सारी मांगे मानेंगे और कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी। और अंदर खाने जैसे आप अभी तक आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हो, आप प्रचार करते रहो, जम के प्रचार करो। मेरे पास आंगनवाड़ी वर्कर्स आए, आशा वर्कर्स आए, 108 नंबर वाले कर्मचारी आए, चिकित्सा कर्मचारी आए, ट्रैफिक कर्मी आए, ग्राम रक्षक दल के लोग आए, ऑटो ड्राइवर्स आए, आउटसोर्स कर्मचारी आए, होमगार्ड के लोग आए, सागर रक्षा दल के लोग आए। इन सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में मैं हर ग्रुप से अलग अलग मिलूंगा, हर ग्रुप के साथ हम टाउन हॉल करेंगे, हर एक के साथ बात करेंगे। समय कम है, आप सब लोग अपने अपने तरह से प्रचार करो, खूब जम के प्रचार करो, सोशल मीडिया पे खासकर खूब प्रचार करो। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से उन पे प्रेशर डाला जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, गुंडागर्दी से उनको तंग किया जा रहा है, उनकी मजबूरियां हैं। आप लोग जितना हमें दिखाते हैं मीडिया वाले, हम आपके शुक्रगुजार हैं, जो नहीं दिखा पाते हम आपकी मजबूरी को समझते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में आग लगा दो, सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया में खूब प्रचार करो कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना है। आप सबसे मैं अलग अलग मिलूंगा और सबके मसलों को हम हल करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।